यूपी तक का परिवार अब 70 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद कम लोगों को मालूम है, देश में अनेक लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भ्रांति है कि गांधी जी के पास लॉ डिग्री थी, गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भाई, सोशल मीडिया पर मनोज सिन्हा जो कि उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के, और साथ ही साथ इनकी राजनीति गाजीपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने राजनीति का अपना करियर शुरू किया था। इनका ये वीडियो गांधी को लेकर, महात्मा गांधी को लेकर जो है टिप्पणी करते हुए, ये वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल है, जिसमें उन्होंने उनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को ये दावा किया था कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी के पास किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं थी। शायद कम लोगों को मालूम है, देश में अनेक लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भ्रांति है कि गांधी जी के पास लॉ डिग्री थी, गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी। इस वीडियो को ट्वीट कर लिखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बोले, महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री नहीं। क्या कोई उनकी अज्ञानता को शिक्षित कर सकता है कि गांधी जी एक बैरिस्टर थे और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से कानून का अध्ययन किया था। हालांकि इस मामले में जब ये राजनीति बढ़ने लगी और मनोज सिन्हा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, तो इसको लेकर भी तमाम तरह के कॉमेंट्स आने लगे। PTI के मुताबिक महात्मा गांधी के परपोत्र तुषार गांधी ने इनके दावे का खंडन किया है। PTI के मुताबिक तुषार गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि MK गांधी ने राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल से मैट्रिक पास की थी, उन्होंने लंदन में मैट्रिक पास की, इसके बाद इनर टेंपल से लॉ की डिग्री हासिल की थी, उसके साथ साथ उन्होंने 2 डिप्लोमा भी किए थे, एक डिप्लोमा लैटिन भाषा और दूसरा जो है फ्रेंच भाषा में। ये सारी चीजें आत्मकथा में दर्ज हैं। तुषार गांधी ने यह भी लिखा कि मैंने बापू की आत्मकथा की एक प्रति राजभवन जम्मू को इस उम्मीद के साथ भेजी है कि अगर उपराज्यपाल पढ़ सकते हैं तो उन्हें इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा कि मैं मानता हूं बापू के पास पूरे कानून की डिग्री नहीं थी। तुषार गांधी ने यह भी लिखा कि कुछ लोग मुझे सुझाव दे रहे हैं कि मैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पर मुकदमा चलाऊं। राष्ट्रपति या उपराज्यपाल किसी भी कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं है। पद की अवधि के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि मनोज सिन्हा ने ये जो बयान अपना दिया था, ये ग्वालियर में दिया था। दरअसल मध्य प्रदेश में मनोज सिन्हा ने गुरुवार को ITM ग्वालियर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मृति व्याख्यान में अपने संबोधन के दौरान जो है उनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में बताते हुए ये सब बातें कही थी। हालांकि जैसे ही उनका वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जो है PTI के मुताबिक उनके जो परपोत्र हैं महात्मा गांधी के, उन्होंने इस पर रिप्लाई किया। और आपको बताया मैंने कि किस तरह से उन्होंने जो है एक प्रति आत्मकथा जो है उनकी वो राजभवन भेजी है कि भाई आप इन्हें पढ़ें और समझें कि क्या कुछ उन्होंने किया था। बढ़ते अब अपनी अगली खबर की ओर। इस खबर के अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल है। दरअसल ये वीडियो आज के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, जिसमें राहुल गांधी ये कहते नजर आ रहे हैं। राहुल जी, जो जजमेंट आया उसको लेकर BJP ने उसको किया है कि आपने OBC का अपमान किया, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने OBC का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली BJP के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्क्रेशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो क्या। देखो मुस्कुरा रहे हैं, घूम घाम मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी हाँ, तो प्लीज प्लीज इफ यू वॉन्ट टू वर्क फॉर द BJP देन ब्रिंग अ BJP फ्लैग सिंबल हियर एंड पुट इट ऑन योर चेस्ट, देन आई विल आंसर यू द सेम वे आई आंसर देम, डोंट प्रिटेंड टू बी अ प्रेस मैन। विक्रांत, राहुल जी हवा निकल गई। राहुल जी इस वीडियो को ट्वीट कर UP BJP काफी मजे ले रही है। भाई उनके विधायक शलभमणि त्रिपाठी जो है ट्वीट कर इस वीडियो को लिखते हैं, ये हो क्या गया राहुल गांधी को, ठीक तो है ना। अब हालांकि सोशल मीडिया पर जब ये क्लिप वायरल होने लगा, तो उसके बाद फौरन जो है यूपी कांग्रेस ने भी इस पर ट्वीट कर सफाई दी। उन्होंने लिखा, पत्रकार होने का नाटक मत करिए, क्या हुआ हवा निकल गई, जननायक ने गोदी मीडिया के पत्रकार को दिया करारा जवाब। तो यहाँ पर यूपी कांग्रेस भी जो है वो इस वीडियो क्लिप के बारे में बताते हुए नजर आ रही है कि इसमें आखिरकार हुआ क्या। दरअसल लोकसभा से सांसदी रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा पलटवार किया। सदस्यता जाने के करीब 24 घंटे बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने अडानी के मुद्दे को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। माफी मांगकर इस मुद्दे को सुलझाने को लेकर राहुल ने कहा कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है।
गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही अडानी के मुद्दे को उठाया और पुरजोर तरीके से जो है बीजेपी पर वार किया। हालांकि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकला वीडियो है, छोटे छोटे क्लिप जो है वो काफी तेजी से वायरल है, जिसपे चर्चा बेहद की जा रही है, जिसमें से एक क्लिप जो है ये पत्रकार वाला भी था। तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी से वायरल है और इसी के साथ खत्म होता है आज के हमारे वायरल खबरों का सिलसिला। और बाकी तमाम खबरों के लिए आप पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसमें डिटेल तरीके से खबरें रहती हैं, और साथ साथ अगर वीडियो फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो देखिए यूपी तक। धन्यवाद।